तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आपका दोस्त महाकाल और एक और आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल ज्ञान महाकाल पे। तो गाइस ये मेरे चैनल की दूसरी सबसे स्पेशल वीडियो है। क्यों स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आज जो है वर्सेस होने वाला है इस चैनल पे जो है इंडिया सर्वर वर्सेस पाकिस्तान सर्वर। अगर बात करें इंडिया से तो यहाँ पे पूरी ज्ञान गेमिंग की स्क्वाड आई हुई ई-स्पोर्ट्स टीम एंड पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बेस्ट ई-स्पोर्ट्स टीम यहाँ पे देख सकते हैं। सीपी करके इनका ई-स्पोर्ट्स टीम का नाम है और ये टीम ने जो है टीम डी के साथ में वर्सेस करके रखा है, जैसा कि इन लोगों ने बोला था। एंड गाइस यहाँ पे जो है पाकिस्तान की टीम से दो प्लेयर है वो है पीसी प्लेयर्स एंड ज्ञान गेमिंग के पूरे मोबाइल प्लेयर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पीसी प्लेयर वर्सेस मोबाइल प्लेयर भी हो रहा है यार। पीसी पे खेलना आपको भी पता कितना ओवरपावर्ड होता है। अगर आप इंडिया टीम के समर्थक हैं तो इंडिया इंडिया लगा दीजिए कमेंट में, अगर पाकिस्तान टीम के समर्थक हैं तो पाकिस्तान नहीं रुकना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस जो है वर्सेस को छोटे से इंट्रो के बाद। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जाने का क्या चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया। भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है जो देख सकते हैं ज्ञान गेमिंग की तरफ से ज्ञान गोल्डन, ज्ञान ट्रोलेक्स, ज्ञान आदित्य, ज्ञान ऋषभ, ठीक है। ये गाइस ई-स्पोर्ट्स टीम के प्लेयर हैं ज्ञान गेमिंग के, आपको बताए न्यू स्पोर्ट्स टीम बन रहे हैं जिसमें आदित्य ट्रोलेक्स नए हैं, ऋषभ गोल्डन तो बहुत पुराने प्लेयर हैं आपको ही बताए। एंड उधर ही अगर बात करें पाकिस्तान की टीम तो अहमद, उबैद, गेमर, सीपी एंड बनी थी, ठीक है। ये पाकिस्तान की बेस्ट स्पोर्ट्स टीम है, आप लोग देख सकते हैं। सीपी का मतलब इनके अनुसार चार प्लेयर्स है, इनकी स्पोर्ट्स टीम का नाम है चार प्लेयर्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो वर्सेस हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते हैं। गाइस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जो है यहाँ पे गोल्डन डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे दूर से, एंड इनके साइड में एक बंदा आ गया है वो भी एकदम पाकिस्तान एकदम। भाई व्हाट अ शॉट भाई, क्या तो शॉट मारा भाई, किसने मारा भाई, गेमर सीपी ने जो है यहाँ पर मस्त भाई क्या ही तो हेडशॉट मारा भाई किंग फिशर से, ठीक है। किंग फिशर से भाई हेडशॉट देना इतनी दूर से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक सेकंड के अंदर हेडशॉट दे दिया यहाँ पे पूरा का पूरा 200 एचपी खा गया। यहाँ पे वन टैप देने की कोशिश की रही इजी प्लेयर्स की यही खासियत है यार, वो वन टैप मारते हैं भाई मतलब कोई सी भी गन हो। किंग फिशर से यहाँ पर डाउन कर दिया भाई, गोल्डन डाउन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन टीम का एक प्लेयर बचा हुआ है, नहीं भाई नहीं 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 यहाँ पे तो जो ओवर पावर गेम हो गया। तो देखते हैं कौन बचा हुआ है उधर, उधर जो बचा हुआ है उधर रिवाइव कर लिया गया ज्ञान रिस्सु बचा हुआ है उधर शायद, और यहाँ पे डाउन कर दिया गया ट्रोलेक्स है शायद, ये ट्रोलेक्स हाँ गाइज ये ट्रोलेक्स है, ट्रोलेक्स एंड ज्ञान रिस्सु बचे हुए हैं यहाँ पे। तो जो है 2v3 हो गया अभी, 1v3 था, और यहाँ पे एक और डाउन। अरे भाई भाई मैच पलटा हुआ दिखाई दे रहा है, मुक्के मारे जा रहे हैं भाई सब, अरे वो डाउन कर दिया गया, ये क्या हो रहा है भाई, फनी मैच चल रहा है एकदम भाई। अरे ओपी भाई, अब यहाँ पे ट्रोलेक्स रिवाइव दे देंगे। अरे नहीं 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 पाकिस्तान टीम यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कत में आ गई, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा मुक्का चला रहा था जबकि उसको गन चलानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे अरे हेडशॉट दे दिया गया यहाँ पे ट्रोलेक्स के द्वारा भाई साहब। ज्ञान गेमिंग जो है यहाँ पे 1-1 की लीड में गाइस, ठीक है। तो पहला राउंड जाता है ज्ञान गेमिंग को। तो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है मिल पे, ठीक है। तो मिल पे जो डाउन साइड में है यहाँ पे पाकिस्तान की टीम, और ये क्या सबके सब चारों प्लेयर जो है एक ही साइड से जा रहे हैं बिल्कुल घूम के एकदम राउंड काट के। तो यहाँ पे चारों प्लेयर्स एक साइड में, ज्ञान गेमिंग की टीम थोड़ी फैल गई है एकदम चारों तरफ, आते थे पीछे से कवर दे रहे हैं। एक टीम भाई पूरी स्ट्रेटजी के साथ खेलती है आपको पता है। तो ज्ञान ट्रोलेक्स यहाँ पे जो इधर जा रहे हैं, लेकिन नहीं पाकिस्तान के चार प्लेयर है उधर। ट्रोलेक्स भाई अगर आप गए, अगर आपने मुंह दिखाया तो आप मुंह दिखाने के लायक रहोगे नहीं फिर। तो यहाँ पे देखो अरे अहमद यहाँ दौड़ते हुए, अहमद को थोड़ा सा डैमेज दिया गया ट्रोलेक्स के द्वारा, एंड यहाँ पे पता चल चुका है अहमद को कि यहाँ पे सामने जो है बंदा आ चुका है, ठीक है। तो गेमर सीपी और यहाँ पे कवर दिया जा रहा है बन्नी भाई एकदम, और ज्ञान गेमिंग भाई पूरी लीड के साथ में भाई एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में हल्का हल्का धीमे धीमे रस कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है एकदम रस करने की। तो यहाँ पे बिल्कुल अहमद भाई भाई पीक लेते हुए कि मुंह दिखाएगा अगर ट्रोलेक्स तो भाई उसको भर देंगे बिल्कुल, ठीक है। और उसी के साथ समझदारी में भाई ट्रोलेक्स को ही पता है कि यार मुंह दिखाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुंह दिखाने लायक रह नहीं जाना फिर उसके बाद में जो यहाँ पे ट्रोलेक्स अरे यहाँ पे अहमद रस करते हुए एक बॉल लगा के, तो ये चीज़ शो प्लान, लेकिन राइट से जो पड़ चुका है शायद किसी ने शॉट दिया है, और यहाँ पे दिक्कत में यहाँ पे गेमर सीपी हुई दिक्कत में, पीछे से शॉट ट्रोलेक्स एकदम गोली मार के जो है नीचे कूद चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो। ज्ञान रिसो यहाँ पे हील करते हो, सारे प्लेयर हील कर रहे, ट्रोलेक्स भी आएंगे और हील करेंगे इधर। यहाँ पे 4v2 की सिचुएशन रह गई है देख सकते हो, गोल्डन इधर घूम गए, अभी पाकिस्तान टीम थोड़ी सी ट्रेवल में यहाँ पे देख सकते हो, 2v4 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ज्ञान आदित्य इधर खड़े हुए हैं मस्त आराम से, बोला देख पीक देते ही जो है यहाँ पे देखो गाइस अंधा रस नहीं कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर आगे गए तो जो है चांसेस रह सकते हैं। व्हाट द हेडशॉट गोल्डन के भाई, 117 लाली लाल कर दिया पूरा, यहाँ पे जो आदित्य ने रस करके पूरे स्क्वाड को फिनिश कर दिया गाइस, देख सकते हैं गाइस
पूरा स्क्वाड ने एक किल किया लेकिन लास्ट बंदे को मार के जो है टीम को विनर बनाया सेकंड राउंड का। तो यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है फैक्ट्री पे। तो गाइस क्या यहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम कमबैक कर पाई है, दो राउंड लगातार हार चुके हैं, गन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पिंग भी हाई है गाइस पाकिस्तान की टीम्स का। एंड गाइस वन मोर थिंग गाइस यहाँ पे जो है पाकिस्तान की टीम सारे के सारे एक साइड में रह रहे हैं भाई, मतलब सब लोग एकदम एक से एक मिलके चल रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञान गोल्डन भाई एकदम यहाँ पे पीक लेके बैठे हैं कि भाई तू अगर निकला तो मैं तेरे को यहाँ पे जो भर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डन भाई का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, आराम से लहरा लहरा के सोए हुए हैं यहाँ पर नाक की तरह। और यहाँ पे वही आधे तक घूम के जा रहे हैं और ट्रोलेक्स और वो एक साथ घूम रहे हैं, जैसा कि गाइस मैंने बोला था तीन प्लेयर एक साइड से रस करते हैं, बाकी का एक बंदा जो है कवर देता है, ठीक है। तो ये चीज ज्ञान गेमिंग की जो, अरे देखो पड़ गई, बोला था ना गोल्डन दे देगा और गोल्डन ने दे भी दिया। गोल्डन ग्लोबल होने की कोशिश की जा रही है और गोल्डन को कवर देने के लिए यहाँ पे एक बंदा और आ गया है ध्यान दिशु। तो दोनों जो है यहाँ पे नाक की तरह जो लहराए पड़े और एक बंदे को डाउन भी कर दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा मार कहाँ से रहा है। और बंदा जो है लेट गए, ये लोग जो है एक बंदे को खा गया। और यहाँ पे पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी ट्रबल में, यहाँ पे 2v4 की सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे पीछे से जो आ गए ट्रोलेक्स ने जो है एक बंदे को दे दिया पीछे से। यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन, नहीं गाइस क्या 1v4 कर पाएंगे? सामने जो भी बचे हुए हैं अहमद भाई बचे हुए हैं शायद, ठीक है। तो लेट्स सी कि अहमद भाई 1v4 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड यहाँ पे बन्नी भाई फेस आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरा राउंड भी जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली ज्ञान गेमिंग ने जीत लिया है। तो यहाँ पे जो हो गया इसको 3-0। अभी जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है कॉटलिस्ट में, तो गाइस क्या होता है इस राउंड में देखते हैं। और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस राउंड में कमबैक कर पाएगी नहीं? क्योंकि गाइस देखो पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा पिंग इश्यू है। एंड अगर वो देखी जाए तो भाई हम जो है एकदम इक्वालिटी लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो गन स्किन हटा दी थी, पूरे करेक्टर स्किल हटा दिया था ताकि उनको ऐसा कुछ भी ना लगे कि फेयर नहीं हो रहा है मैच। बस यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम का नेट का इश्यू रहेगा, शायद पिंग का नेट का इश्यू नहीं रहता, थोड़ा सा हल्का पिंग हाई रहता है इनका, बाकी सब चीज इक्वल है, ठीक है। करेक्टर स्किल है नहीं इसमें एंड गन स्किन भी नहीं है और लिमिटेड रखा गया था ताकि जो है यहाँ पे बिल्कुल भी वो ना हो कि यार अनलिमिटेड में, आपको पता है एकदम स्पोर्ट्स वर्सेस स्पोर्ट्स जैसा हो रहा है, एकदम टूर्नामेंट जैसा बोल सकते हैं। ग्रेनेड्स को भी नो किया गया है क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें ग्रैंड अलाउ नहीं करते हैं कुछ में, ठीक है। एंड हमने भी यहाँ पे जो किया था क्योंकि देखो पाकिस्तान की टीम्स ने जो आईडीज बना के आए हैं तो उनके पास में बीस्टन वगैरह होगा नहीं, ज्ञान गेमिंग के पास बीस्टन वगैरह हुआ तो वो लोग जो है नेड का स्पीड जो है ज्यादा दूर तक फेंक सकते हैं, मतलब बहुत एडवांटेज है, इसलिए हमने जो है नेड वेड को अलाउ नहीं किया था, ठीक है। पूरा एकदम इक्वालिटी रखिए। तो चलिए बात करते हैं मैच के बारे में। तो हाँ गाइस यहाँ पे पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी कैंपिंग करती हुई दिखाई दे रही क्योंकि वो तीन राउंड जो है कंटिन्यूसली हार चुके हैं एंड वो नहीं चाहेंगे कि एक और राउंड जाए, इसलिए वो लोग साथ में रह रहे हैं। उनको पता है कि नेड कर नहीं सकते वो लोग, तो साथ रहने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर एक आध बंदा उन्होंने देख लिया तो वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गेमर सीपी को ऊपर से पड़ चुका है गोल्डन जो है यहाँ पे सेंटा क्लॉज वाली टोपी लेके भाई तब ही गए सेंटा क्लॉज से याद है हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो अभी चलो बात कर लेते गेम के, उछल उछल के मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डाउन कर दिया गया है अहमद को भाई मतलब ध्यान गेमिंग वाले पूरा एकदम घेर के चल रहे हैं, समझ रहे हो, एकदम पूरा चारों तरफ स्ट्रेटजी के साथ में। यहाँ पे गोल्डन रस करेंगे, गोल्डन को जो है कॉल मिल गया होगा कि एक बंदा डाउन है, तो गोल्डन जो है प्रेशर बनाने के लिए हल्का हल्का आके गए हैं, थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या प्रेशर बना पाएंगे कि नहीं या फिर उनका खुद का कोकर प्रेशर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गोल्डन एकदम नीचे से रस कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी टीम होल्ड करके बैठी है भाई बेटे बटे, लेकिन नहीं यहाँ पर जो है बन्नी भाई नीचे आकर बन्नी को डाउन कर दिया गया एंड बन्नी ने जो है गोल्डन को डाउन किया, तो गोल्डन को फिनिश कर दिया गया। तो गाइस मैंने जैसे ही बोला था गोल्डन भाई जो है यहाँ पर कुक हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो आदित्य भाई जो है थोड़ा सस्ता मूवमेंट दिखाते हुए निकल रहे हैं, यहाँ पर राइस्टर 2.0 है ज्ञान भाई के हिसाब से, जो है आदित्य को जो है राइस्टर की कैटेगरी में रखते हैं ज्ञान भाई। तो देखते हैं ये जो है राइस्टर 2.0 कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने और यहाँ पर अब जो है लास्ट राउंड में रस करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन अरे नहीं भाई से यहाँ पर डाउन कर दिया गया ज्ञान आदित्य को, लेकिन वहीं ट्रोलेक्स ने उसको डाउन कर दिया। 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है गाइस, 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिसु जो पीछे से कवर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में उनके पास में जो है वो बंदा ट्रोलेक्स खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों बंदे हील कर रहे हैं जाते हुए, लेकिन जरूरत नहीं थी गैमर भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी ये करने की, आपको एकदम खुले में नहीं दौड़ना था, ठीक है। जून के लिए टाइम था आपके पास और ये इधर से आते हुए हेड खा गए। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान गेमिंग जो है 4-0 से लीड पे है अभी भी। और यहाँ पे जो अगला राउंड स्टार्ट हो चुका है ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेटरी में जो है अभी किसका लक होने वाला है यहाँ पे, तो जो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पूरा पाकिस्तान का टीम, यार एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये लोग पूरा एक साथ रह के खेल रहे हैं, मतलब 4 के 4 बंदे। इनको थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए कि अगर हम चारों एक साथ लेके अगर पिट जा रहे हैं, अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे तो ये स्ट्रेटजी जो है इनको नहीं यूज में करनी चाहिए, थोड़ा सा जो है घूम के इधर उधर से और बंदों पे फोकस करना चाहिए। देखो कितना क्लोज में आगे ज्ञान गेमिंग के प्लेयर्स बिना किसी रोक टोक के, तो यही चीज़ है कि अगर आपने बंदों को रस करने का मौका दोगे तो वो जो आपके धीरे धीरे बहुत क्लोज आ जाएंगे। और यहाँ पर ज्ञान रिसु व्हाट अ हेडशॉट भाई, ऐसे ही इस बंदे को नहीं रखा था स्नैपिंग के लिए भाई, ओपी लेवल स्नैपिंग करता है ज्ञान रिसु, ठीक है। आप लोगों ने रिसेंटली वीडियोज में भी देखा होगा, क्या ही तो हेडशॉट मारता है भाई बंदा एकदम ओपी लेवल के, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है एक बंदे डाउन होते ही जैसा कि मैंने बोला था ध्यान गेमिंग की पूरी टीम चढ़ गई भाई उन पे, इसलिए बोलते हैं कि बंदों को क्लोज नहीं आने देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा बचा, यहाँ पे जो फिर से ट्रबल में आ गई है भाई पाकिस्तान की टीम, और यहाँ पे देखिए एक बंदा बचा हुआ है जो कि है अपना गेमर बन्नी उबैद, और यहाँ पे गेमर सीपी बचा हुआ है। जी हाँ गाइस गेमर सीपी AWM शॉट्स यहाँ पे जो दे रहे हैं 150 का तो एक दे चुके हैं यहाँ पे भाई। ये भी ओपी लेवल स्नैपिंग कर रहे हैं शायद, क्योंकि ये लोग ये जो पीसी में खेल रहे हैं भाई अपने गेमर सीपी, और गेमर सीपी पीसी प्लेयर्स को आपको पता है कि स्नैपिंग कितनी पसंद है, लेकिन ज्ञान गेमिंग से भाई नहीं चलने वाली भाई इनकी। इन्होंने बोल दिया है कि भाई तुम पीसी प्लेयर लेके आ जाओ चाहे कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन हम जो है बीट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम के पास में दो चांसेस हैं, दो राउंड हैं, अगर ये लोग दो राउंड में जो कमबैक कर जाते हैं तो जो है हाथ में आ जाएगा इनके मैच, वरना जो है मैच ये हाथ से निकलने वाला है पाकिस्तान टीम के पास में। और गाइस एक चीज और, हाँ मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि आपको जिस भी टीम को सपोर्ट करना है इंडिविजुअल टीम को सपोर्ट कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्लीज किसी भी नेशन को गाली मत दीजिएगा कि पाकिस्तान ये है इंडिया, मतलब कुछ पाकिस्तान के लोग इंडिया वालों को गाली देके जाते हैं कुछ, मतलब इस तरह से मत किया करो गाइस, क्योंकि देखो ये टीम से और गेम एक ही लेवल पर होता है। आपको नहीं पता होगा आज से 3 साल पहले ये जो सर्वर था एक ही था, आपको पता है सिंगापुर रीजन सिर्फ एक ही सर्वर में खेलते थे, मेरे भी कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, ठीक है, आपके पाकिस्तान में अगर तुम जानते तो साइन इन निक, ठीक है, जिसके चैनल का नाम अभी फ्री फायर वर्ल्ड है, ठीक है, वो बंदा मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, हम लोग साथ में खेलते थे जब लोग स्टार्टिंग में सीजन 1 में खेलते थे, ठीक है। तो सोचो जब एक नेशन था उस टाइम पे, एक ही सर्वर था पूरा मतलब फ्री फायर का, तो यार हम सब लोग कहीं ना कहीं गेमिंग कम्युनिटी के मामले में सब हम लोग एक ही हैं। तो और एक टीम अगर जीतती है तो दूसरी टीम हारेगी, आपको भी पता है टूर्नामेंट का यही रहता है। तो जो हारती हुई टीम जो कभी भी नूब नहीं होती, ठीक है, कभी कभी बेस्ट टीम के वर्सेस में एक टीम को तो हारना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी टीम को, ठीक है, रेस्पेक्ट के उसमें रह के हमें जो अपनी टीम्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि यार गेम को गेम की तरह लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, इस चीज को जो है नेशन के साथ में ना ही जोड़े तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए स्पोर्ट्स में बात कर रहे हैं, गेम में वापस आ जाते हैं। एक बहुत हेडशॉट भाई, क्या ही तो हेडशॉट मारा यहाँ पे ज्ञान गेमिंग का, एक बंदा डाउन है जो है शायद जो वहाँ पे डाउन किया गया है ज्ञान आदित्य को, एंड यहाँ पे टोलेक्स रिवाइव दे रहे हैं ज्ञान रिसीव था वो सॉरी, और यहाँ पे घुस गए हैं भाई पाकिस्तान की टीम, इस बार थोड़ी सी ओवर पावर नजर आ रही है। ज्ञान आदित्य यहाँ पे खड़े हुए हैं शॉटगन लेके, और यहाँ पे कवर ले लिया गया है, लेकिन वहाँ से दे दिया जाएगा पीछे की साइड, पीछे से झुक के जो है मार दिए गए। यहाँ पे जो टोलेक्स भी डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे बचे हुए हैं, बट शॉट गाइस यहाँ पे देखते हैं आदित्य ने डाउन कर दिया बंदे को, एंड ये जो है हमारा राइटर ऐसे ही है गाइस गन लेके मूवमेंट दिखाता है ये वाला, एक और बंदा डाउन कर दिया है, 2v2 की सिचुएशन देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आदित्य का पिंग इश्यू दिख रहा है मेरे को, पिंग इश्यू हो रहा है, जी हाँ गाइस आदित्य का एकदम पूरा पिंग इश्यू, और उसी के चलते यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, एंड रिशु अकेले बचे हुए हैं, यहाँ पे 2v1 की सिचुएशन है, और वहाँ पे जो एक बंदे को और रिवाइव दे दिया जाएगा जो 3v1 की सिचुएशन हो जाए। जी हाँ गाइस जैसा कि मैंने बोला था एक बंदा हो चुका है रिवाइव, अब जो सिचुएशन हो चुकी है 3v1, तो यहाँ पे जो है रिशु को देखेंगे भाई अपना AWM प्लेयर जो है यहाँ पे दिला पाएगा कि नहीं भूया। तो यहाँ पे अभी देखते हैं एक राउंड में जो है, अभी मेरे को लग रहा है इस टीम को जो है जरूरत है कमबैक की पाकिस्तान की, एंड वो कमबैक जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इनका। तो अभी तो ये देखना ज्ञान रिशु जो है यहाँ पे 1v3 सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, सामने जो है बंदे हैं 3, एंड ज्ञान रिशु है यहाँ पे अकेले, थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, और यहाँ पे एक बंदे को देते हुए डैमेज करके भाई डाउन कर दिया है। सही है जी सकते हैं रिशु भाई, यू कैन डू इट, लेकिन व्हाट अ हेडशॉट दे दिया गया है यहाँ पे भाई बन्नी भाई के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी एक राउंड जो है पाकिस्तान के खाते में जा चुका है, तो बस अब देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ से कमबैक कर पाएगी या नहीं। तो ठीक है राउंड 7 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे केप टाउन के अंदर, और यहाँ पे ज्ञान रिशु जाते हुए AWM लेके यहाँ पे जो है फिर से कॉन्फिडेंस के साथ में जो पीक लेके बैठे हैं उनको बताया कि वो कैंपिंग करने वाले हैं थोड़ी सी, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपना ग्राफिक्स यहाँ का। तो अरे एकदम पीक आई थी, लेकिन यहाँ पे जो बंदा डैमेज खाने से बच गया, एंड यहाँ पे वही एकदम पूरा ताक लगा के बैठे हुए रिशु। और वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की टीम की तो वो लोग कैंपिंग करके बैठे हुए थोड़ा सा कि इनको जो है शॉर्ट रेंज में आने दो, एंड ये चीज़ उनकी काम नहीं कर रही है लास्ट वाले राउंड को छोड़कर। लास्ट राउंड में ये स्ट्रेटजी इनकी काफ़ी अच्छे से काम की थी, जो है पूरा एकदम ले गए थे ये लोग, ठीक है। अभी इस वाले राउंड में ये चीज़ काम करेगी कि नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे ज्ञान गोल्डन जो है बैठे हुए हैं, धीरे धीरे जो है ये लोग रस करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था ज्ञान गोल्डन ज्ञान आ देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान रिशु में पीछे से कवर दे रहे हैं एकदम एक छेद से जो है यहाँ पर कवर देने की कोशिश की, यार देख सकते हैं माइंड देखिए भाई क्या ही तो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, एक छेद के अंदर से यहाँ पर जो है पूरा कवर यहाँ पर जो है देखने की कोशिश किया, बंदे को जो है हेडशॉट देने का ट्राई करेंगे। सामने जो है बंदा इनको पता है कि वहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे हेड पे एम लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको पता है भाई वो बंदा कि AWM चलाने वाले तो वो नहीं निकलने वाले, एंड वहाँ पे धीरे धीरे कर ज्ञान गोल्डन घुस गए, देख सकते हैं AWM के स्कोप के अंदर ज्ञान गोल्डन पहुँचते हैं। ज्ञान गोल्डन
पाएंगे, लेकिन हेडियर बढ़ दिया भाई यहाँ पे जान बोल रहे। और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई ये बंदे जो है रश करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर सामने वाली टीम पुश नहीं करेगी तो ये लोग जो है पुश करेंगे, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा ऊपर कूद गया और उसको भी जो है नॉक कर दिया गया यहाँ पे पाकिस्तान की थोड़ी सी ट्रबल में आते हुए। लेकिन वही चीज है कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा कैंपिंग करना भारी पड़ रहा है। यहाँ पे 6-1 हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान टीम के लिए मुसीबत जो है फाइनल स्टेज पर आ गई। अगर ये लोग ये राउंड हारते हैं तो जो है यहाँ पे इंडिया जीत जाएगी, मतलब जान गेमिंग जो है यहाँ पे जीत जाएगी पूरे फाइनल ये मैच को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनके पास में एक चांस है यहाँ से कमबैक करने का। अगर पाकिस्तानी टीम यहाँ से कमबैक करती है तो बेटर होगा उनकी स्क्वाड के लिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईम लेके बैठे हुए, उनको पता है कि सामने से जो बंदा आता है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा शायद खड़ा हुआ है, देख सकते हो गाइस बिल्कुल ही पीक नहीं दे रहा भाई कौन से, लेकिन अंदर घुस गया और घुसने की गलती कर दी उन्होंने, 150 का डैमेज जो खा चुके हैं। यहाँ पे एक बंदा और घुस गया है, ये लोग जो है थोड़ा सा एक साथ घुसना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो कवर लेके बैठ गए, लेकिन वहीं जो है ट्रोलेक्स जो है छोड़ने की कोशिश करें ग्लू वॉल को, जैसा कि मैंने बोला। और यहाँ पर ट्रोलेक्स करके यहाँ पे डाउन हो सकते हैं ट्रोलेक्स, लेकिन नहीं, वो मतलब ऑलरेडी डैमेज था, तो ट्रोलेक्स ने जो है उसको फिनिश कर दिया। यहाँ पे गाना देते नीचे आए, उनको पता है कि कैंप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बंदा उनका नीचे हो सकता है, वहीं यहाँ जहाँ जो है गोल्डन रिवाइव दे रहे हैं बंदे को। तो यहाँ पे भाई पाकिस्तान टीम का एक बंदा अलाइव है जो कि है अपने बन्नी भाई यहाँ पे, ठीक है, पीसी प्लेयर। तो यहाँ पर बन्नी भाई देखेंगे यहाँ पर क्या बन्नी भाई यहाँ कर पाएंगे, सामने से बंदा आ गया, यहाँ पर बन्नी भाई का पिंग देख सकते हैं, पिंग इश्यू है जैसे मैंने बोला, तो देखते हैं यहाँ पर जो बन्नी भाई कर पाएंगे कि नहीं। क्लच 1v3 है यहाँ पर, 1v3 देखेंगे और बन्नी भाई का शॉट, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज्ञान गोल्डन ने फिनिश कर दिया बन्नी भाई को। और जो है ये राउंड जाता है ज्ञान गेमिंग, तो गाइस यहाँ पर जो है ज्ञान गेमिंग ई-स्पोर्ट जीत चुकी है एकदम 7-1 के साथ में। और वहीं अगर बात की जाए MVP तो ट्रोलेक्स MVP रहे हैं इधर से, एंड अपोनेंट टीम की बात की जाए तो बन्नी सीपी भाई ओपी खेले वहाँ से MVP रहे पाकिस्तान टीम के साथ। तो गाइज ये रहा स्कोर पूरा यहाँ पे जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम। अगर आपको ये वर्सेस पसंद आया है तो जो है ऐसे ही वर्सेस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लेना, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।